हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं साड़ी से हमने बनाया गाउन जिसके ऊपर हमने बनाई है अलग से बंडी। तो ये हमारे पास साड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पूरा बॉर्डर इसमें साड़ी में नीचे फ्लावर है और ये है इसका पल्लू जिसपे ऊपर से फ्लावर कढ़ाई के रूप में है। और ये है इसकी लैस, तो लैस को हम अलग कर देंगे। और ये हमारे पास है अंदर लाइनिंग का कपड़ा जिसकी हम पहले ऊपर की चोली कट कर लेंगे और उसको कट करने के बाद फिर हम नीचे का फ्लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा अलग कर लिया है चोली के लिए, अब हम नीचे का फ्लेयर कट करेंगे। तो फ्लेयर कट हम जो करेंगे नीचे का वो हम करेंगे अम्ब्रेला कटिंग में। और जो हमें साड़ी का बनाना है ना ऊपर का, तो वो बनाना है हमें कलियों वाला, क्योंकि उस कपड़े जो साड़ी का कपड़ा है उसमें हमें नीचे का जो बॉर्डर है वो नीचे ही लगाना है, तो उसको हम अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको अम्ब्रेला कटिंग में। तो अम्ब्रेला कटिंग आप पर आती है, अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं बता दूँगी कि किस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो अम्ब्रेला कटिंग जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जिसमें एक होती है सेमी वाली यानी कि सिंपल अम्ब्रेला कटिंग, एक होती है उससे ज़्यादा घेर वाली यानी कि मीडियम घेर की, और एक होती है लार्ज घेर की यानी कि पूरा जो चारों तरफ पूरा राउंड में घेर आता है ना, तो वो वाली। तो यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ ना वो सिंपल वाली है बिल्कुल, जिसमें हम बस नॉर्मल वाला फ्लेयर रखेंगे यानी कि एक चौथाई वाला फ्लेयर। और अब हम ऊपर की जो कलियाँ है ना वो कट करेंगे। तो ये हमारे पास साड़ी का हमने इसकी 4 तह बना ली है। और इसका जो आगे आप बॉर्डर देख रहे हैं ना वो उसको हम निकाल देंगे, वो छोटी छोटी बूटियाँ हैं जो हम अलग उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसकी कलियाँ हमने निशान लगा लिए हैं, एक तरफ से रखे हमने 3 इंच यानी कि 2.5 के करीब है, 2.5 इंच के करीब, और दूसरी तरफ से हमने रखी है 8 इंच। तो 2.5 हमने इसलिए रखी है क्योंकि हमें बनानी है छोटी वाली कली इसकी ऊपर से और नीचे आके हमारा थोड़ा फ्लेयर हो जाए, क्योंकि इसमें साड़ी जो है वो बहुत छोटी है और इसमें बॉर्डर भी निकल गया और जो पल्लू है ना वो भी हमने अलग कर लिया है। तो यहाँ पे ये कलियाँ हमारी कट चुकी हैं, इनको हम अलग रख लेंगे। और अभी हम काटेंगे ऊपर की बंडी। तो ये है जो ऊपर का फ्लोवर वाला यानी कि पल्लू वाला जो एरिया था ना, उसमें से हम इसकी बंडी काटेंगे। तो बंडी में हम अस्तर नहीं लगाएंगे, नॉर्मल हम ऐसे ही रखेंगे। और जो ऊपर हमारी चोली है ना गाउन की, तो उसमें भी हम साड़ी का कपड़ा नहीं लगाएंगे, ओनली उसमें सिर्फ हम चोली हम लाइनिंग की बनाएंगे, ऊपर से रखेंगे हम बंडी पहनने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो ऊपर की बंडी है ना वो हमारी कट चुकी है, तो इसको हम आगे से ओपन भी रख सकते हैं। और यहाँ मैं जो बनाने वाली हूँ वो मैं आगे से बंद बनाने वाली हूँ, वैसे तो खुली रहेगी आगे से लेकिन ऊपर से मैं उसको बंद कर दूंगी। तो ये हम ऐसे ही डालने वाली बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव, स्लीव्स में हमने आगे बूटियाँ दे दी हैं, जो हमारे छोटी साइड के बॉर्डर था ना वो वाली हमने बूटियाँ इसमें जो हमारी स्लीव्स है उसमें ले आए हैं। और यहाँ पे हमने कलियाँ जोड़नी कर दी है स्टार्ट। तो हम अपनी मशीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने कलियों को जल्दी से हम इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी कली ऊपर से बहुत ही छोटी वाली है और नीचे से हमने थोड़ी चौड़ी वाली रखी, यानी कि हमने नीचे से 8 इंच की रखी थी और नीचे से हम फ्लोर टच इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कलियाँ हैं ना वो काफ़ी लंबी हैं क्योंकि चोली से जुड़ेंगी और नीचे फ्लोर टच है, तो यहाँ पे इस तरह से हम अपनी पूरी कलियों को जोड़ लेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में, यानी कि पूरी कलियों को जोड़ के बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना कली जोड़ने में। तो अगर हम इसको पूरा दिखाएं ना तो पूरा एक दिन लग जाता है एक को बनाने में। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारी पूरी कली जुड़ चुकी है, अब हम इन कलियों को जोड़ रहे हैं आपस में, यानी कि जो हमारा नीचे का फ्लेयर था ना उसको और ऊपर की कलियों को इनको आपस में हम इनको जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद हम आगे से इसको खुला रखेंगे, अगली साइड से हम लाके वहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे, यानी कि मुझे जो अंदर का फ्लेयर है ना वो उसको मैं साइड से सिलूंगी और जो ऊपर की कलियाँ हैं ना उसको मैं बीच में लाके आगे टच कर दूंगी, यहाँ पे आगे लाके टाक दूंगी वहाँ पे बंद। और अब हम ऊपर वाला जो हमारा चोली है ना उसको हम सिल लेते हैं, पहले हम इसके जो ऊपर के तीरे हैं उनको सिल लेंगे और उसके बाद हम इसकी जो हमारी चोली है उसके गले वगैरह बना के और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे, यानी कि जो हमारा नीचे का फ्लेयर है और नीचे ऊपर का फ्लेयर है उसको हम दोनों को अटैच कर लेंगे, यानी चोली हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारी चोली अब जुड़ने वाली है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारी चोली जुड़ने के बाद जो हमारी ऊपर की फिटिंग है उसकी, सॉरी फिटिंग कह रही, ऊपर का जो हमारा पूरा टॉप है वो किस तरह से लगेगा, तो वो हम दिखाने वाले हैं।
तो ये हो गई हमारी साइडों की सिलाई, जिसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो पहले हम ऊपर वाले फ्लेयर को बंद करेंगे इस तरह से, और फिर हम आगे वाले फ्लेयर को, आगे मतलब कि लाइनिंग वाले फ्लेयर को। तो पहले हम जो हमारे साड़ी का कपड़ा है, पहले हम उसके फ्लेयर को नीचे से पूरा नीचे तक इसको बंद कर देंगे साइडें, और फिर हम ऊपर वाली जो लाइनिंग है ना उसको भी हम साइडों से इसकी फिटिंग कर देंगे। तो नीचे तक हमें फिटिंग नहीं करनी है, फिटिंग जो हमें करनी है वो करनी है हमें सिर्फ चोली तक, और उसके नीचे हम फिर इसको ऐसे ही नॉर्मल सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम जो हमारी साड़ी का कपड़ा है और जो हमारी लाइनिंग है ना उसको हम अलग अलग रख के सिल रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं नीचे, तो नीचे लगा रहे हैं हम बॉर्डर। तो अभी हम इसको सीधा करके दिखाते हैं, जो मैंने बॉर्डर साड़ी में से कट किया है ना, तो उसको मैं इस तरह से यहाँ पे अटैच करके इसको लगा रही हूँ। तो ये पूरे फ्लेयर में नीचे आ जाएगा, और ये आगे से जो खुला हिस्सा है ना, जो आगे आप देख रहे हैं, ये हमारा नीचे का हिस्सा है आगे का। तो नीचे से हमारा जो फ्लेयर है वो खुला रहेगा, और जो हमारी लाइनिंग है वो आगे से बंद रहेगी। तो वो हमारी लाइनिंग जो है वो अम्ब्रेला कटिंग में आ गई है, और जो हमारा ऊपर का फ्लेयर है यानी कि साड़ी का जो फ्लेयर है वो हमारा कलियों में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारी गाउन जो बनकर तैयार है। तो यहाँ पे देखिए, नीचे से हमारा जो पूरा गाउन जो है वो बन गई है। तो ये बस नीचे की सिलाई रह गई है लास्ट में, तो इसको मैं अंदर से फोल्ड कर रही हूँ। अब आ गए हैं हम अपनी ऊपर की चोली पर, यानी कि जो हमें ऊपर की चोली बनानी है, तो वो बनानी है हमें बंडी टाइप में। तो इसको पहले हम जो गला है ना, पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के लिए मैंने इसमें अलग से उदेव वाली पट्टी लगाई है, और इसको लगाने के बाद हमारा जो आगे पीछे है दोनों तरफ का गला बना के फिर हम इसके जो मुड्ढे हैं ना उनको सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा इस तरह से गला बन गया है। हम आगे की पट्टी लगाएंगे, जो हमें आगे इसमें बटन लगाने हैं। तो इसको हम पूरा बंद नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम पट्टी लगा के इस तरह से इसको आगे से आधा ओपन और आधा हम बंद कर देंगे। तो ये मैंने डबल करके पट्टी लगाई है, इसको मैं ऊपर से चीर के सिलाई को और फिर अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं सुई का काम बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, पूरे में मैंने यहाँ पे मशीन से ही पूरा इसको किया है। तो ये देखिए, हमारी जो ऊपर की सिलाई थी वो हो गई है। अब हम इसको फोल्ड करके इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम दूसरा वाला साइड कर लेंगे। यहाँ पे मशीन मेरी थोड़ी ख़राब हो गई है, इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ सही। तो देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हम दूसरी साइड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा बैक का गला हो गया, और ये हमारे फ्रंट का हो गया। अब हम इनके जो ऊपर के तीरे हैं उसको सिल लेंगे। अब हम आगे से इसकी जो फिटिंग है ना दोनों साइड से उसको कर लेंगे। ये मैं नीचे तक बंद बना रही हूँ, इसको नीचे साइड से हम चाक नहीं बनाएंगे, ऊपर नीचे तक बिल्कुल बंद बनाएंगे। बस आगे से हमें ओपन रखनी है। ऐसे हम दूसरी वाली साइड की फिटिंग कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स हैं, इनको हमने इसमें ज्वाइन कर लिया। देखिए इस तरह से ये लगकर तैयार है। अब हम इसको आगे से थोड़ा सा पहले नीचे की साइड से फोल्ड करके फिर हम इसको आगे से आधा बंद कर देंगे। तो नीचे से मैं थोड़ा चौड़ा करके ही फोल्ड कर रही हूँ।
इस तरह से। दोनों धुरे आगे से फोल्ड नाप लेंगे और तब हम उसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे से इसको आधा ज्वाइन कर लेंगे जहाँ तक हमें बटन लगाने हैं। तो हम इसको करीबन 14 से 15 इंच पर हम इसको सिल लेंगे अंदर से और फिर इस पर हम लगा देंगे बटन। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये पूरा गाउन बनकर तैयार है। तो अभी हम इसका लास्ट वीडियो दिखाते हैं आपको।